أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين. वसलत वसलम अला सैदिल्बिया इवलमरसलिन वही वसहब ही अजमी नमाबाद मोहतरम नाजरीन कुरानकम के नवे पारे की तफसीर चल रही है पिछले दरस में आपने सूरतलआराफ़ की आयत नंबर एक सौ उनतीस तक की तफसीर समात की थी आइये आगे बढ़ते हैं अउद बिल्ला मिनः शजीम वलकदनाबीन वनकमारून यकीनन हमने आले फिरौन को फिरौन के साथियों को फिरौन के मानने वालों को मुब्तला किया बिस्सनीन कहत साली में व नक्स मिन समरात और फलों की कमी में लअल्लहुम यज़्ज़करून ताकि वो नसीहत हासिल करें अल्लाह की तरफ रुजू करें فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ طائرهم عند الله ولكن لا يعلمون. तो जब उनके पास कोई ख़ुशहाली आती है कलूलना हाजी तो वो कहते हैं कि इस पर तो हमारा हक़ था वह इन तसीब हम सैतन और जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है या तैयरुब मूसा व मम तो वह मूसा और उनके साथियों के ज़रिए नहूसत लेते हैं बदशोगी लेते हैं यानी हज़रत मूसा को और उनके साथियों को वो मनहूस करार देते हैं अल्लाह ने फ़रमाया अला सुनो उनकी बदशोगुनी अल्लाह ताला के पास है यानी अल्लाह के इल्म में है एक मतलब तो इसका ये है कि वो जो बदशुगुनी ले रहे हैं उनका ये अमल अल्लाह ताला के पास है अल्लाह के पास रिकॉर्ड हो रहा है और उनको इसकी सज़ा मिलेगी और दूसरा मतलब ये है कि तायर का मतलब होता है परिंदा चूँकि आम तौर से जो बदशोगी वो लेते थे परिंदे के ज़रिए लेते थे परिंदा दाहिनी तरफ़ उड़ता था तो अच्छा शगुन लेते थे बाएं तरफ उड़ता था तो बुरा शगुन लेते थे तो अल्लाह ने फरमाया कि नमाता कि इनकी जो बदशुनी या नेक शगुन जो ये लेते हैं ये दर हकीकत अल्लाह की तरफ से होता है अच्छे और बुरे जो भी हम पर हालात आते हैं उसके जबाब होते हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं न कि इंसान के अच्छा या बुरा शगून लेने की वजह से होते हैं वाला किन अक्सर हमला यामून लेकिन इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते وقالوا مهما महमा به وقالوا مهما महमा به من मिन आयत بها فما نحن لك بمؤمنين. और ये कहते हैं कि तुम जो भी निशानी हमारे पास लेके आओ ए मूसा तुम जो भी निशानी हमारे पास लेके आओ लितसहरना हरना बिहा ताकि तुम उस निशानी के ज़रिए अपना जादू हम पर चलाओ फमा नहन कबिमुमिन हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं यानी ये उनकी ढिटाई थी उनका ऐनात था उनकी ज़िद्द थी कि तुम जो भी निशानी ले आओ हम ईमान लाने वाले नहीं हैं फ अरसल्लाम तूफ़ान जराकुमलाउफ़ादी वा, दम आयातमसलत अल्लाह ने फ़रमाया कि हमने उनके ऊपर तूफ़ान भेजा अब तूफ़ान से मुराद या तो सैलाब हो सकता है या इसकी एक तफसीर की गई कि बहुत ज़्यादा बारिश के ज़रिए अल्लाह ने अपना अज़ाब नाजिल किया या तूफ़ान का लफ्ज़ जो है बहुत ज़्यादा जब मौत होती है कसरत अमवात जब कोई ऐसी यानी मुसीबत और ऐसी बला और वबा नाजिल होती है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं तो उसको भी तूफ़ान से ताबिर किया जाता है फ अरसल तूफ़ान जरात तो उस उनके ऊपर अल्लाह ताला कहता है कि हमने तूफ़ान का अजाब भेजा और टिड्डियों का अजाब भेजा टिड्डियाँ जो होती थी उनके गलों और फसलों को ख़त्म कर देती थी खा के बर्बाद कर देती थी वल कुम्बला और उनके ऊपर हमने जुओं का अजाब भेजा कुम्बल का लफ्ज़ जो होता है ये जुओं के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये जो है घुन के कीड़े के लिए भी इस्तेमाल होता है तो उनके खाने पीने की चीज़ों में और तमाम चीज़ों में घुन के कीड़े या जुएँ वगैरह आ कर के उनका उन जीना हराम कर देती थी ऐसा अजाब भी उनके ऊपर आया वह वफ़ाद आ और मेडकों का अजाब हमने भेजा यानी मेढक जो है वो उनके हर जगह उनके बिस्तर पे उनके खाने पीने की चीज़ों में मेढक आ गए जिसकी वजह से उनका खाना पीना सोना सब हराम हो गया वह दम और हमने खून का अजाब उनके ऊपर भेजा खून जो है यानी एक तो पानी खून बन जाता था एक तफसर तो इसकी ये की गई कि पानी जो है उनका खून बन जाता था पानी पीना उनके लिए हराम हो गया या एक तफसीर ये की गई कि खून से मुराद हर आदमी की नाक से खून बहने लगता था नक्सर की बीमारी सबको हो जाती थी तो अल्लाह ताला ने ये मुख्तलि किस्म की बलाएँ और वबाएँ उनके ऊपर नाजिल की फ़ अरसल ना अलिम तूफ़ानल जरादा वलकुम कि हमने उनके ऊपर तूफ़ान टिड्डियों और जुओं और मेढकों और ख़ून का अजाब भेजा आयात मुफसलाता ये हमारी निशानियाँ थी अलग अलग ये हमारी तरफ़ से उनको डराने के लिए उनको तंबी करने के अलग अलग निशानियाँ थीं फस्तक बरू वक़ान कौम लेकिन उन लोगों ने तकब्र से काम लिया और ये मुजरम लोग थे वलमा वक़ा अलिम या मूस या मूसद उलना रबीमा अहिद इंदक और जब उनके ऊपर अजाब वाक़ हो गया तो उन्होंने कहा कि ए मूसा उद उबी माहीद इंदक एसा तुम्हारे रब ने तुमसे जो अहद पैमान किया है तुम उसके जरिए हमारे लिए दुआ करो अपने रब से ल इन कशफ़्स मा बनी इसराइल अगर तुमने ये अजाब हमसे हटा दिया तो हम तुम पर ईमान भी ले आएंगे और बनी इसराइल को तुम्हारे साथ भेज भी देंगे फलमा कशफना अन हम रिज इलाम बुहसून और फिर जब हम अपना अजाब उन पर से हटा लेते उतनी मुद्दत तक जितनी मुद्दत तक वो पहुँचने वाले होते यानी अगले अजाब के आने के पहले जितने वक्त तक के लिए अल्लाह ताला ने वो एक अजाब उनके ऊपर मुकर कर रखा होता था तो उतने टाइम के लिए अल्लाह ताला जब अपना अजाब हटा लेता तो ईदा हमकून वो फिर से पलट जाते अपने अहद और अपने पैमान से फिर जाते और फिर से अपनी पुरानी हरकत पर वो शुरू हो जाते

व औरन अल कौमा हमने इस कौम का वारिस उन लोगों को बनाया इनके बाद उन लोगों को ज़मीन में इक़्तार अता किया अलज़ी का न्युस्फ़ून जिनको कमज़ोर समझा जाता था मशारी अर्द व मग़ार ज़मीन के मशरक़ और मग़रबी हिस्से में ज़मीन से मुराद यहाँ मुल्क शाम का इलाका है मुल्क शाम का वो इलाका फ़लस्तन जिसको हम कहते हैं फ़लस्तन का इलाक़ा मुराद है इसलिए आगे अल्लाह ने फरमाया मशा अर्द व मग़ारी लती बारकना फ़ीहा जमी उस ज़मीन के मशरक और मग़रब में हमने उनको वारिस बनाया जिसमें हमने बरकत दी थी तो फ़लस्तीन की जो सरज़मीन थी ये बरकत वाली सरजमीन थी ये बहुत सारे नबियों का वतन रही है बहुत सारे नबियों का मस्कन और मदफन रही है और फिर ज़ाहरी एतबार से भी बड़ा खुशहाल और बड़ा बरकत वाला ये इलाका रहा है तो अल्लाह ताला ने कुरान में और भी मकाम पर उस जगह को बरकत वाला करार दिया है तो फरमाया कि हमने उस कौम को वारिस बनाया उस कौम का वारिस हमने उन लोगों को बनाया जिनको जमीन के मशरक और मगरब में कमजोर समझा जाता था उस जमीन में अल्लती बारकनाफीहा जिसमें हमने बरकत अता फरमाई व हुसना अला बनी इसराइल और आपके रब का जो वादा था और जो कलम खैर था बनी इसराइल के बारे में वो पूरा हुआ बिमा सबरु उनके सब्र की वजह से व दम मरना माँ काना यस्न व फ़िर व क़ो हु व माकानो या रिसून और हमने बर्बाद कर दिया और मलिया मेट कर दिया वो सब कुछ जो फ़िरन करता था और फ़िरन की कौम करती थी व माँ कानूँ या रिशून और जो वो चढ़ाते थे यानी चढ़ाते जैसे मुराद जो ऊँची ऊँची इमारतें बनाते थे और जो उनकी अंगूर की बेलें वगैरह होती थी जो ऊँचे जो है दरख्तों छप्परों पर वो अंगूर के बेलों को फैलाते थे यानी उनकी तमाम खेतियाँ और उनके तमाम जो बड़े बड़े मकानात और बिल्डिंगें थी सब तबाह हमने कर दी वजा वजना बे बनी इसराइल बहरफात अला कौमी या कफूनासनाजहलून और हमने बनी इसराइल को दरिया पार करा दिया फ़अला कौम तो उनका गुजर एक ऐसी कौम के पास से हुआ या खुफ़ून आला असना जो अपने कुछ बुतों से चिमटे हुए थे बुतों की इबादत करते थे बुतों से चिमटे हुए थे कलू या मूँसज अल ना अन कमाल तो उन लोगों ने कहा कि ए मूसा हमारे लिए भी ऐसा एक महबूद बना दो जैसे इनके कई पत्थर के बुत हैं और महबूद हैं ऐसा एक महबूद हमारे लिए भी ला दो कॉल इन कम कौम तज तो हज़रत मूसा ने कहा कि तुम लोग बहुत बड़े जाहिल लोग हो ये तुम्हारी जहालत है कि जिस शर्क से बचा करके तोहिद की राह पर मैं तुमको लेके आया हूं अब तुम दोबारा उसी शर्क की तरफ तुम जाना चाहते हो ऐसा ही एक वाक रसूल अक्रमली वसम की ज़िंदगी में भी पेश आया जब आप गजब हुनैन की के लिए जा रहे थे तो उस वक्त जो कुछ नए नए लोग आपके साथ जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था उन लोगों ने ऐसा एक मतालबा किया था ये तिरमिज़ी की टू वन एट जीरो नंबर की हदीस है हज़रत अबू वाक़द लेसी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम जब हुनैन की तरफ निकले मर्रब शजरत नीलमशरक़ी तो आपका गुजर हुआ मशरक़े के एक दरख्त के पास से लहुम यु़लहुम यु़िलह अनुत और उस दरख्त का नाम था ज़ा अनु उसको ज़ा अनु कहा जाता था युकू नसल हतम उस दरख्त के ऊपर मुशरकिन क्या करते थे अपने तलवारों वग़ैरह को अपने हथियारों को लटकाते थे फ़कालु या रसूल इज अल ना ज़ा अनुन कमाल हम ज़ात अनु तो साहबा ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल हमारे लिए भी एक ज़ात अनुवाद बनाते यहाँ साहबा से मुराद वो चंद लोग मुराद हैं जो अभी नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे और इस्लाम की बहुत सारी तालीमत को अभी उन्होंने उतना पुख्ता तरीक़े से नहीं समझा था तो उन्होंने ये मुतालबा किया कि अल्लाह के रसूल हमारे लिए भी एक ज़ा अनु बना दे जैसे इनके लिए ज़ा अनु हालाँकि उनका मकसद गलत नहीं था उनका यह मकसद था हम अल्लाह की राम जिहाद करने जा रहे हैं तो जैसे ये लोग अपने दरख्त के ऊपर अपने हथियारों को लटकाते और इनके हथियारों को तेज़ धार मिल जाती है तो हमको भी ये ताक़त और क़ुत हासिल हो जाए तो अल्लाह के रसूल सल व उनके इस मुतालबे पर हैरत का और अफ़सोस का इज़हार किया और आपने फ़रमाया सुबह ना सुबहान अल्लाह ये ताजुब और हैरत के मौके पर यह जुमला बोला जाता है कि अल्लाह ताला पाक है हाजा कमा काल कौम मूसा इज अल्लाहन कमा लहुम आलिया ये तो बिल्कुल वही बात हो गई जैसे मूसा की कौम ने उनसे कहा था कि हमारे लिए भी एक महबूद बना दो जैसे उनके लिए महबूद है वलसी बियर कब न सुन न तमनका नुम उस की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है तुम अपने से पहले के लोगों के तरीके पर जरूर चलोगे तो यहाँ हजरत मूसा आलात वाम ने अपनी कौम के इस मुतालबे पर जब उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी एक महबूद बना दो तो हज़रत मूसा ने कहा कि इन नौम तहलू तुम लोग बहुत बड़े जाहिल हो इ नहा उला इ मुतबर हम फ़ी वातमां कामून बेशक जो अमल ये लोग कर रहे हैं जिस अमल में ये लोग मुबला हैं उसको तबाह कर दिया जाएगा और जो कुछ ये कर रहे हैं वो सब बातिल है कॉल अगैर अब गफल कुमालमीन कहा कि क्या अल्लाह के अलावा मैं तुम्हें कोई मबूद तलाश करके दूँ क्या तुम्हारे लिए मैं अल्लाह के अलावा कोई महबूद तलाश करूँ जबकि अल्लाह ने तुमको सारे जहानों पर फजीलत दी है यानी उस वक्त जितनी कौमें दुनिया में थी उन तमाम कौमों पर बनी इसराइल को अल्लाह ताली ने फजीलत दी थी व इज़ अनजना फ़िरउन युमसू अलबनाकुम वफ़ीदम बल उम रब कुम और याद करो जब हमने तुमको आल फ़िरौन से नजात दी वो तुमको सख्त तकलीफ पहुंचाते थे जो कत्लून अकुम तुम्हारे बेटों को कत्ल कर डालते थे व यस्त निसा अकुम और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ते थे वफ़ीदुम बला उम रब कम अजीम और इसके अंदर तुम्हारे रब की तरफ से बहुत अजीम आजमाइश थी ववा अदना मूसा सलाती नई लतमम ना ब्याशर और हमने मूसा से तीस रातों का वादा किया और हमने उसको पूरा किया दस के ज़रिए फतमी ख़ा तो रब ही अरब लैला तो उनके रब की मकर्र मुद्दत जो थी वो पूरी हो गई चालीस रात अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा सलाम से खूह तूर पर उनको अपने पास कलाम करने के लिए बुलाया तो चालीस रातों की मीकात और वक्त अल्लाह ताला, ताला ने मकर किया ये जो चालीस रातें थीं अक्सर मुफसरन के मुताबिक इसे इसमें तीस रातें जो थीं तीस दिन जो थे वो जिलकादा के थे और आखिर के जो दस दिन थे वो ज़िलहिजा के दस दिन थे गोया ये जो मीकात थी ये योम नहर को मुकम्मल हुई ईद के दिन और इसी दिन अल्लाह तूसा आल सलाम से कलाम किया और इसी दिन हमारे नबी वम के ऊपर भी अल्लाह दीन को मुकम्मल किया और सुर मायदा की आयत नंबर तीन नाजिल हुई अलय अकमल तोल दीनकुम वतमम तोमती वी तोलामदी की आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दिन को मकम्मल कर दिया तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने मूसा से तीस रातों का वादा किया और फिर उसको दस के ज़रिए पूरा किया फमी का तो रब ही अरब इन लैला तो उनके रब की मकर्र जो मद्दत थी मुकर्र की हुई फिक्स की हुई वो चालीस रात की शक्ल में पूरी हो गई वकाल मूसा लखीह रूनख लफनी फ़ी कौमी व असल वला तत तब जाते जाते हज़रत मूसा सलातम ने अपने भाई हारून से कहा कि तुम मेरी कौम के अंदर मेरी जानशीनी करना व असलह और असलाह का काम करना वाला तब सबीमुफी और फसादियों के रास्ते की हरगज़ हरगज़ पैरवी मत करना अगर अगरचे हज़रत हारून ख़ुद भी पैगम्बर थे और उनसे ये यानी उम्मीद नहीं की जा सकती थी वो किसी किस्म का फसाद करें मगर हजरत मूसा आल अपनी कौम के हालात को देखते हुए आपने हज़रत हारून को खास तौर से ताक़ीद की कि इनसे होशियार रहना और कभी भी इनके रास्ते की पैरवी मत करना वलमा जा मूसालमी कातिना और जब हमारे मुकर मद्दत के मुताबिक हज़रत मूसा आए वम हो रब हूँ और उनके रब ने उनसे कलाम किया काला रब अरनीई तो हज़रत मूसा आलात के दिल में इश्तिया पैदा हुआ कि जिस अल्लाह से मैं कलाम कर रहा हूँ उस अल्लाह का मैं दीदार करूँ उन्होंने कहा कि अय मेरे रब मुझे तू अपना दीदार करा दे अरिनी तू मुझे अपना दीदार करा अनजुरैता ताकि मैं तुझे देखूँ का लन तरानी अल्लाह ने फरमाया तो मुझे हरगिज नहीं देख सकते यहाँ लन का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये अरबी में फ्यूचर में किसी चीज़ को परमानेंटली जब हम निगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए लन आता है नफ़ी ताबीत के लिए आता है तो इससे मतजला वगैरह ने यह इस्तदल किया है कि अल्लाह ताला को कभी भी नहीं देखा जा सकता ना दुनिया में ना आखरत में मगर उनका ये इस्तलाल गलत है मुतवातिर हदीसे मौजूद हैं अल्लाह के रसूल की सही हदीसें मौजूद हैं कि अहले जन्नत अल्लाह तला का दीदार करेंगे और ख़ुद कुरान से साबित है सुर कियामा की आयत नंबर बाईस और तेईस में अल्लाह ताला ने फरमाया वजू हुई यूमईन नाजिरा इला रब्बिहा नाजिरा के क़यामत के दिन कुछ चेहरे फ्रेश होंगे तरोताज़ा होंगे और वो अपने रब की तरफ देखेंगे अल्लाह ताला का दीदार अहले जन्नत को नसीब होगा यह बिल्कुल सही बात है तो यहां जो अल्लाह ताला ने हजरत हरगिज नहीं देख सकते को नहीं देख सकता तो अल्लाह ने फरमाया कि लंद मुझे नहीं देख सकते लेकिन जबली फैन तरानी। लेकिन ए तुम इस पहाड़ की तरफ देखो अगर ये अपनी जगह बरकरार रह जाए तो तुम जरूर मुझे देख लोगे फ़लम्मा तजल् रबिल जबल जालक्म खर्र मूँसा सीक़ा और जब मूसा के रब ने उस पहाड़ के ऊपर तजल्ली फ़रमाई दक्का, तो उस पहाड़ को रेज़ा रेज़ा कर दिया व खर्र मूँसा स और मूसा बेहोश होकर के गिर पड़े फ़लम् अफ़ा का कला सुबहान तु का तुब तो अउ्लमुमिन और जब हजरत मूसा मूसासलाम तो होश में आए तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तू पाक है मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहले ईमान लाता हूँ यानी इस बात पर कि दुनिया में तुझे कोई नहीं देख सकता मैं इस बात पर सबसे पहले मैं ईमान लाता हूँ यहाँ पे मूसा सलातम तो जो बेहोश होकर के गिर पड़े इस ताल्लुक से एक हदीस भी अपने सामने रखें सही मुस्लिम की टू थ्री सेवन थ्री नंबर की हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह जब कयामत के दिन अपने बंदों के दरमियान फ़ैसला करने के लिए जब अल्लाह ताली अपना जलाल फरमाएगा और अपने बंदों के सामने अपना दीदार कराएगा फ़िनन्ना सैस अकून तो उस वक्त सारे के सारे लोग बेहोश हो जाएंगे फ़अकून अव्वलु मन अव्वलमयोफीक़ तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सबसे पहले होश में आने वाला मैं रहूँगा फ़ैज़ा मूसा बात शुम ब अर्श तो मैं देखूँगा कि मूसा आलत अर्श का एक कोना पकड़े हुए हैं फ़ला अदरी तो मुझे नहीं पता अकान अफीमन सईका के क्या मूसा भी उन लोगों में शामिल थे जो बेहोश हो गए थे अफ़ा का कबली और मुझसे पहले उनको होश आ गया था अमकान अमीमन इसतसनल्ला या चूँकि वो कोहे तूर के ऊपर बेहोश हो चुके थे एक मरतबा इसलिए अल्लाह ताली ने क़यामत के दिन बेहोश होने से उनको मुस्तना रखा अल्लाह के नबी कहते ये मैं नहीं जानता तो बहरहाल हज़रत मूसा मूसी आ सलातम अल्लाह ताली का दीदार नहीं कर सके और अल्लाह ताली ने सिर्फ़ एक तजल्ली जो फरमाई पहाड़ के ऊपर तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और हज़रत मूसा मूसी सरातलम बेहोश हो गए तो ये सूरत आराफ की आयत नंबर वन फोटी थ्री एक सौ तीस से लेकर के एक सौ तैंतालीस तक आज हम लोगों ने तकरीबन चौदह आयतें देखी हैं आइए देखते हैं इन चौदह आयतों में हमने अहम बातें क्या सीखी हैं एक बात तो ये पता लगी कि अल्लाह ताला की एक सुन्नत ये भी है उसका एक तरीक़ा ये भी है कि वो अपने बंदों को मुसीबतों से परेशानियों से आज़माता है ताकि बंदे अल्लाह ताला की उन आजमाइशों से नसीहत हासिल करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें और अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करें एक सबक़ ये मिला कि बदशगुनी लेना ये मतलक़न हराम है ग़लत है असल जो बदशुगुनी होती है वो इंसान के गुनाहों में होती है इंसान के गुनाहों के बुरे असरात उसकी ज़िंदगी पर और उसके अमाल पर और उसकी औलाद पर पड़ते हैं बाकी दुनिया में कोई चीज़ मनहूस नहीं होती एक चीज़ ये भी पता लगी कि जहालत जो होती है ये तमाम बुराइयों की जड़ होती है हज़रत मूसा आलासलम ने अपनी कौम के उस मतालबे पर क्या कहा जब उनकी कौम ने कहा कि हमारे लिए भी एक महुत बना तो उन्होंने तो तो कहा कि इन नकम कौम उन तज तुम जाहिर लोगों तो कुफ्र की और इसी तरीके से गुनाहों की जड़ में हम जा करके देखें तो जहालत जरूर मौजूद होती है इसी तरीके से एक बात यह भी पता लगी कि इंसान की एक फितरत होती है कि वो मुसीबत के वक्त जो है अल्लाह की तरफ रुजू करता है और जब मुसीबत ख़त्म हो जाती है तो फिर से वो शिरक में और मासी में मब्तला हो जाता है जैसा कि बनी इसराइल का भी हाल था कि जब अजाब आता था तो वह हज़रत मसा से कहते थे तो दुआ करो अजाब हट जाएगा तो हम ईमान ले आएंगे और जब अल्लाह ताली अज हटा लेता था तो वो दोबारा उसी सरकशी में और उसी गुना में मब्तला हो जाते थे इसी तरीके से एक बात ये भी पता लगी कि मुनकर पर नकीर ज़रूरी है कोई बुराई हमारे सामने हो रही है उस पर नकीर करना उसको रोकना उसको ख़त्म करने की कोशिश करना ये हमारा फ़र्ज़ है जितना भी हमारे लिए पॉसिबल हो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मुनकर को देखा कि उनकी कौम ने मुतालबा किया कि हमारे लिए एक मबूत बना दो तो उन्होंने फ़ौरन उस पर नकीर की और बताया कि ये अमल गलत है और ये हराम है इसी तरीके से एक बात यह भी पता लगी कि किसी को जानशीन बनाना जायज़ ख़ास तौर से अहम अमूर में दीनी अमूर में किसी दीनी अहम ज़िम्मेदारी में हम कहीं जा रहे हैं तो हम अपना किसी को ज़िम्मेदार और जानशीन बना करके जाएँ हज़रत मूसा आसरा ने भी अपने पीछे अपने भाई हारून को अपना जानशीन बनाया इसी तरीके से एक बात यह साबित हुई कि अल्लाह ताली का दीदार उसकी रुअत अहल ईमान को आख़रत में नसीब होगी अलबत्त दुनिया की आँखों से अल्लाह को नहीं देखा जा सकता दुनियावी ज़िंदगी में अल्लाह ताला का दीदार ये मुमकिन नहीं है जैसा कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से कहा लन तारानी तो मुझे नहीं देख सकते इनशाला इसके आगे की आयत की तफसीर हम अगले दर्स में आपके सामने पेश करेंगे अल्लाह ताला से दुआ रब्बालमीन हम सबको कुरान करीम को पढ़ने की समझने की और गौर करने की और उस पर अमल करने की तो फरमाए आमीन वसलम वरम